नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे एक गेस्ट से जो है मिस्टर गौतम सैनी और ये जुड़ रहे हैं रुड़की उत्तराखंड से। इन्होंने रिकॉर्ड 8 महीने के टाइम के अंदर अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। इनकी डायबिटीज आज से 3 साल पहले डायग्नोज हुई थी जब इनकी रीडिंग आती थी 350 खाना खाने के बाद और जब इन्होंने हमारे प्रोग्राम LDCF डाइट को फॉलो करना शुरू किया नवंबर 2022 में, तब इनकी ब्लड शुगर आती थी लगभग 107 या 110 के आसपास फास्टिंग में और खाना खाने के बाद लगभग 200 या उससे अधिक। हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के पहले इनको ये तो मालूम था कि डाइट को फॉलो करके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं पर उसे रिवर्स भी किया जा सकता है, ये इनको लॉन्ग लिव लाइव के वीडियो सुनने के बाद ही मालूम पड़ा। और जब ये प्रोग्राम में जुड़े तो रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर LDCF डाइट को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया और 2 जुलाई को GTT टेस्ट पास किया जिसमें फास्टिंग में इनकी ब्लड शुगर 96 थी और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद इनकी ब्लड शुगर थी मात्र 89। तो आइए मिलते हैं मिस्टर गौतम सैनी से। नमस्कार सैनी जी, आप दर्शकों को एक बार पूरा डिटेल बताएं, आपका किस तरह से सफर शुरू हुआ, कब डायबिटिक हुए, क्या आपके मन में विचार आए, पूरी चीजें जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिल सके प्लीज। नमस्कार, मैं गौतम कुमार सैनी रुड़की से हूं और लगभग 3 साल पहले मुझे पता चला था कि शायद मैं आई एम डायबिटिक क्योंकि मेरे नी पेन था मुझको, तो मेरे कलीग ने मुझको सजेस्ट किया था कि आप एक बार अपना डायबिटीज टेस्ट कराइए। तो मैंने जैसे ही अपना डायबिटीज शुगर टेस्ट कराया तो मेरा वो 350 के अराउंड आया था, मतलब प्लस में ही था, 350 प्लस था। ओके। उसके बाद मैंने जो है कुछ अपने और सहपाठियों से और अपने मित्रों से पता किया भाई क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो मेरे एक मित्र थे उन्होंने बताया था कि उसमें आप अपना डायटरी प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, योगासन कीजिए, तो आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो मैंने जो है उसी के हिसाब से अपने अपने आप ही जो है कुछ खाने पीने का ध्यान रखा, डायटरी प्रोटोकॉल फॉलो किया और मैंने जो है अपनी शुगर 350 से जो है वो 250 के अराउंड, 260 के अराउंड में मैं उसको लेकर आ गया था। बराबर। इसी दौरान जो है मुझको जो है लॉन्ग लीव का वो मिल गया लिंक, तो मैंने वहां से जो है जैसे ही बात किया तो उन्होंने मुझे उस तक, इससे पहले मुझे ये नहीं था कि कभी भी मैं कि रिवर्स हो सकती है। बराबर। हाँ, कंट्रोल हो सकती है ये मैं जानता था बट रिवर्सल का मुझे नहीं पता था। जब मैं लॉन्ग लीव के साथ जुड़ा तो मुझे पता चला कि इसको मैं वास्तव में इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ही नहीं केवल रिवर्स कर सकता हूँ। फिर जैसे जैसे मेरा डॉक्टर साहब के साथ में मेरा अपॉइंटमेंट होता रहा, इन्होंने मुझे जैसे जैसे इनके डायटिशियन ने मुझको डायटरी प्रोटोकॉल टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किए और विद इन 8 मंथ जो है अब मैं अपना GTT पास कर पाया हूँ और काफी अच्छा मुझे लगता है अभी पहले की अपेक्षा। अभी जो है मेरी जो है पीपी जो है फास्टिंग से भी कम आ जाती है। बराबर बराबर। मैंने देखा आपका जो रिपोर्ट है उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद में जो 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर है वो 89 है जो कि फास्टिंग की 96 से भी नीचे है। तो जी सर जी, इसमें डेफिनेटली आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली, आपकी फैमिली का भी इसमें डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें आपको मेन कहां पर तकलीफ आई, क्या परेशानी आई, कैसे ओवरकम किया और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको टाइप 2 डायबिटीज है? देखिए, जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है वो सबसे पहली तो बात यही है कि अपने डाइट में जो मेन कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट, बराबर, उसको जितना जितना कम से कम रिड्यूस कर सके, ज्यादा से ज्यादा जितना रिड्यूस कर लेंगे उतना ही उन्हें जल्दी वो रिवर्सल के करीब आ पाएंगे। मैंने तो यही देखा कि जितना भी मैं, कई बार ऐसा हो जाता था कि भाई जैसे कहीं शादी ब्याह में, शादी में या किसी फंक्शन में गए तो वहाँ अब उस डाइटरी प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है, तो वो जो वीडियोस मेरे पास आई हुई थी कि कैसे आप बाहर में आउटिंग में कैसे खा सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, उन वीडियोज का मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला। उन्हीं के जरिए जो है मैंने कभी जब भी मैं आउटिंग में गया, जहाँ कहीं भी मुझे खाना हुआ तो मैंने अपना डाइटरी प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो किया, ध्यान रखा कि मेरा कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक है वो एसिड ना हो जो मेरी डेली डोज है। तो उसमें एक 11 नंबर पे अब तो एक पूरा वीडियो ही डाला हुआ है फूड बियॉन्ड होम, तो घर के बाहर निकले तो क्या खाएं। दरअसल हमारा पर्पस यही रहता है कि किसी भी बंदे की पूरी ट्रेनिंग हो जाए
तो उसको ये समझ में आए कि उसके हिसाब से डायबिटीज फ्रेंडली फूड क्या है। अक्सर लोग क्या करते हैं, डाइट चार्ट के पीछे भागते हैं, तो डाइट चार्ट तो शुरुआत में उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही, जब तक वो पूरी तरह डाइट को समझ नहीं लेते, पर उससे मोर ओवर उनका अगर ट्रेनिंग हो जाए तो लाइफ टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं होती और डायबिटीज लौट के भी नहीं आती, क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी वो शादी में घर के बाहर किसी से मिलने घूमने जा रहे हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए, या जो घर में भी उनका भोजन है उसमें उनको पूरी नॉलेज हो जाती है, तो अपनी डायबिटीज को भविष्य में भी दोबारा आने देने से रोक सकते हैं। अब पेशेंट्स के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। मैसेज तो सर यही है, मुझे लॉन्ग लीव ज्वाइन करके काफी रिलैक्सेशन फील हुआ और मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने डायबिटीज को रिवर्स कर पाया हूँ और बहुत कम समय में कर पाया हूँ। हालांकि लॉन्ग लीव ज्वाइन करने से पहले तो मैं सिर्फ यही जानता था कि शायद कंट्रोल हो सकते बट रिवर्स नहीं हो सकते। तो जो भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो टाइप 2 डायबिटीज अब रिवर्स हो सकती है, सही बस आप अपना डायटरी प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो फॉलो करें, बराबर। चलो सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपकी फैमिली को एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयां, हमारी पूरी टीम और मेरी तरफ से, हमारी डाइटिशियन की टीम और बाकी के जो असिस्टेंट हैं उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आजू बाजू के लोग और इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों को मोटिवेट करेंगे अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। नमस्कार। तो जैसा आप सभी ने सुना कि मिस्टर सैनी ने कैसे रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, यदि आप भी डायबिटिक हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या मैं इस प्रोग्राम का, इस कोर्स का लिंक नीचे डाल रहा हूं, उस लिंक पर जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।